नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही है। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को इस वीडियो में हमारे घरों में जो बैटरी हुआ करती हैं, जिसमें हम लोग पानी डालते हैं, तो पानी डालने के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभार आप लोगों ने देखा बैटरी इतनी नीचे स्पेस में रखी जाती हैं, जहाँ पर हम किसी मग्गे को सीधा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधा करेंगे तो ऊपर स्पेस नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, कभी कभार आप लोगों ने देखा कि हम पानी डालते हैं तो पानी आधा नीचे फैल जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो नीचे फैल जाता है, फर्श पर गिर जाता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है। ये देखिए, इस यंत्र के द्वारा आप बड़े आराम से किसी भी बैटरी में आप पानी भर सकते हैं। आपकी बैटरी खाली हो जाए तो आप बड़े आराम से उसमें पानी भर सकते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, बैटरी में आराम से डल जाएगा। और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ये आपका चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद करीब 8-10 घंटे आपके ये वर्क करेगा। इसमें एक पंप मोटर लगाई गई है, नीचे पंप मोटर लगी हुई है। ये आप जो देख रहे हैं, ये आपकी वाटर लेवल वाला पाइप है। इसमें ऊपर कैप में एक बैटरी लगाई गई है। बैटरी के साथ में आपका ये सॉकेट लगा हुआ है, जिसमें यहाँ से करंट आउटपुट 4 वोल्ट का निकलता है, जो पंप मोटर में पहुँचता है, यहाँ से निकलता है। इसके साथ में एक LED लगा हुआ है। ये LED क्या करता है, जब उसको ऑन करेंगे तो ये बता देगा कि हमारा प्रोजेक्ट, हमारा यंत्र ऑन हो गया है। 3500 नंबर का ये आपका चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, जो किसी भी मोबाइल के चार्जर से इसको, 3500 वाले मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। अब इसमें हमने कोई वायरिंग अटैच नहीं की है। अगर इसमें कोई वायरिंग अटैच करते तो इसको हम जब कैप को लगाते तो वो वायरिंग ऐसे घूमती, ऐसे राउंड लेती और टूटने का खतरा था। तो इसको पहले हमने पूरा फ्री मूवमेंट कर दिया। जब इसको ऐसे कस देंगे, कसने के बाद में ये वाला जो पेन है, EP पेन है, ये पेन हम जैसे इस सॉकेट में लगाएंगे, ये देखिए लगा हुआ, ये सॉकेट में जैसे EP पेन लगेगा तो हमारा कॉन्टैक्ट कन्फर्म हो जाएगा और हमारा ये वर्क करने लगेगा। तो जैसे ही हमने इस वाले सॉकेट को जैसे हमने EP पेन जैक के साथ जोड़ा, अब आप लोगों को दिखाएं, ये देखिए इसको स्टॉपर लगा दिया है। जैसे हम इसका स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए, देखा आप लोगों ने, ऑफ कर देंगे तो किसी भी बैटरी में यदि आपको पानी डालना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर बैटरी में डलता है, क्योंकि बैटरी जब सूख जाती है तो अगर उसको सूखी बैटरी को हम चार्ज करेंगे तो प्लेट चिपकने का, सेपरेटर खराब होने का, जो बैटरी के अंदर सेपरेटर लगे रहते हैं वो खराब होने का चांस बढ़ जाता है और बैटरी हमारी खराब हो जाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको इसको बैटरी में डाला जाता है। ये पानी आपका, हम अगर कीप से डालेंगे तो पानी फैलेगा, यदि किसी मग्गे से डालेंगे तो कई जगह ऐसी स्थिति बनती है कि लोग बाग क्या करते हैं, हमारे घरों में बैटरी के जस्ट ऊपर सपोर्ट करके कोई ऐसा साधन लगा, फ्री मूवमेंट में बैटरी कभी नहीं रहती है, तो मग्गे से भी डालें या गिलास या बर्तन हम उसका प्रयोग करेंगे तो बर्तन खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने इस तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑटोमेटिक बैटरी वाटर फिलिंग का हमने एक यंत्र का आविष्कार किया है। तो देखिए, जैसे हम इसको यहाँ कैप खोलेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, ये बटन दबाएंगे तो हमारा बढ़ जाएगा। दूसरे वाले कैप में लगाएंगे तो दूसरे वाले में, इस हिसाब से हम जितने बैटरी में कैप होते हैं, 6 कैप होते हैं, 6 सेलों में हम पानी आराम से भर सकते हैं। ये देखिए, इसका प्रेशर भी देखिए आप लोग, कितना गजब का इसका प्रेशर है। जैसे इसको पंप दबाएंगे तो ये देखिए, ये आपका, ये देखिए प्रेशर, बढ़िया प्रेशर आपका आ रहा है। ये देखिए, देखा आप लोगों ने। तो ये आप लोगों को उपकरण कैसा लगा, इसकी राय, सुझाव, इसमें कोई कमी है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि मेरे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल से आप लोग जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर, सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार। इस उपकरण को आप देखें, यदि आप अपने बैटरी में पानी डालना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डालना चाहते हैं, तो आपको कीप कुप्पी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक बैटरी फिलिंग डिस्ट्रीब्यूटर डिवाइस है, जिसे आज हम इस वीडियो पर अपलोड कर रहे हैं और इसके बारे में A to Z बताएंगे, ये कैसे बने हैं, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो इसका प्रेजेंटेशन ये है कि जैसे आपकी कोई बैटरी है, उस बैटरी में अगर आपको पानी भरना है, ये देखिए ये मग्गा है, और जैसे हम इसका बटन खोलेंगे ये पानी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए,
तो इसमें आप बड़े आराम से इसको आप घर पे बना सकते हैं। तो यह स्टेप में बना हुआ है, यानी कि यह प्रोजेक्ट कई स्टेप में बना हुआ है। पहला स्टेप इसका ये कि इसका जो कंटेनर का ढक्कन है, खाली टॉफी के डिब्बे के ऊपर का ढक्कन है, ये देखिए, तो इसके ढक्कन के ऊपर ही आपका एक चार्जर का सॉकेट लगा हुआ है, एक एलईडी लाइट लगी हुई है। एलईडी लाइट के साथ में 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है और एक आपका जैक लगा हुआ है। ये मेल फीमेल जैक आता है, इसको ईपी जैक बोला जाता है, कहीं भी मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो ये पीछे साइड से कसा हुआ है और ऊपर इसका ये वाला हिस्सा निकला हुआ है, और इसको ऐसे लगाओगे तो यहाँ पर आपको जो आप सप्लाई यहाँ पर डालेंगे 12 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट वो आपको यहाँ पर पिन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिवाइस आपकी तैयार हो गई है ढक्कन के ऊपर। इसके पीछे साइड में एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ में आपके सारे कनेक्शन हैं, प्लस माइनस के हिसाब से कॉमन चीज़ है कि किसी बैटरी से कोई चीज़ चलाई जाए तो माइनस प्लस जोड़ा जाता है। बैटरी के जो पॉइंट आए हुए हैं वो आपके सीधे इसमें जाते हैं, 3500 सॉकेट में चले जाएंगे। 3500 सॉकेट में जाने के बाद में जब यहाँ पर हम कनेक्शन निकालेंगे, इस ईपी पिन पर सॉकेट निकालेंगे कनेक्शन इसका, तो एक कनेक्शन को काट देंगे माइनस या प्लस को, तो हमें ये बाहर मिल जाएगा। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा ये ऑन प्रोटेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कंटेनर बनाने की। जब कंटेनर बनाया जाता है तो ये जो पंप मोटर है, इस पंप मोटर की थोड़ी व्यवस्था ये करनी पड़ती है क्योंकि ये पंप मोटर अधिकांश पानी में डूबकर वर्क करती है, लेकिन हमने इसको बाहर वर्क कराया तो बाहर लगाने के लिए क्या करना पड़ा, गौर से देखिए आप लोग। लाइट की फिटिंग में लगने वाला 1 इंची पाइप, ये देखिए जो लाइट की फिटिंग में लगता है, 1 इंची पाइप का हमने करीब 2 इंच टुकड़ा काटा इस प्रकार, और इसको ऐसे सेट किया। ऐसे सेट करने के बाद में इसी ग्रेविटी के अनुसार, जैसा ये ग्रेविटी इसकी बनाई गई है, इसी हिसाब से इसमें ऐसे निशान लगा के, पेंसिल से मार्कर से निशान लगा के उसकी गुलाई काटी, और गुलाई काटने के बाद इस मोटर को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। पीछे साइड में ये जंप नल है, इधर के लिए फोल्ड ना हो तो हमने पीछे एक पंखे में लगने वाली रबड़ को हमने सपोर्ट कर दिया, जिससे ये स्पेस में ऐसे बना रहे, सीधा रखा रहे। इसके बाद में इस रबड़ को आप लोग जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वाटर लेवल पाइप है जो मार्केट में आराम से 5-6 रुपये मीटर मिल जाता है, इसको ऊपर से हमने इसको सपोर्ट कर दिया है। यहाँ मोटर के जो कनेक्शन आए हुए हैं, ये कनेक्शन आपके, इसमें हमने ईपी पिन लगा दिया, और ईपी पिन लगाने के बाद में इसको मूवमेंट फ्री इसलिए रखा कि अगर हम इसको परमानेंट यहाँ पर जोड़ देते वायर को अंदर से, एक पतला सा छेद करके इसको जोड़ देते तो हमें ढक्कन कसना है ऐसे, तो ये राउंड लेता, और राउंड लेने के बाद में ये क्या करता है, ऐसे राउंड लेता तो बार बार ये वायर आपके टूट जाती है। तो पहले इसको फिट कर लो, उसी हिसाब से इसको फिट किया गया है, जिस हिसाब से स्पैच छोड़ के साइड में, ये स्पैच छोड़ा हमने, इसकी जो किनारी है ये कवर हो जाएगी, देखिए स्पैच छूटा हुआ सब तरफ, ऐसे इसको कर दिया। कसने के बाद में फिर हमने इसको ईपी पर लगा दिया, और अब इसको चालू कर देते हैं। ये चालू हो गई आपकी, तो किसी भी हम अपनी बैटरी में आराम से इसके द्वारा पानी भर सकते। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है, करीब 5 फुट तक की हाइट है, ऐसे 5 फुट दूर तक इसको हम पानी इससे ऊपर ले जा सकते हैं। और जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो इसमें चार्जिंग फैसिलिटी भी है, ये आपके मोबाइल से चार्ज हो जाएगी, कोई भी इसमें मोबाइल आराम से लग जाएगा आपका, जो 3500 हो ऐसे लग जाएगा, ये देखिए ये ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, ये रिटर्न आपको शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है रिटर्न, तो ये कनेक्ट हो गया। ये रिटर्न जब ही शो करता है तब बैटरी से ये कनेक्ट हो जाता है। अब इसको हम एसी प्लग में लगा देंगे और ये आपका चार्ज होने लगेगा। चार्ज होने के बाद में करीब आपका 10-12 घंटा चल जाता है, और बैटरी भरने में आपका बहुत वक्त टाइम लगेगा, तो 5 या 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपकी बैटरी भर जाएगी। तो ये आपको उपकरण कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर हो रही, आप सभी लोगों को बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले उपकरण डालते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।